हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन के मैसेजेस लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, उनके मैसेजेस क्या हैं अभी इस वक्त आपके लिए। तो अपने पर्सन का नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 times ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस आप तक पहुँच सकें आपके पर्सन के। शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय मेरे भाई। चलिए ये दोनों डेक से हम लेंगे कुछ कार्ड्स और देखेंगे कलेक्टिव लेवल पे क्या एनर्जीज हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स, जिस व्यक्ति को सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति की एनर्जी क्या है, क्या मैसेजेस हैं जो वो आप तक पहुँचाना चाहते हैं इस रीडिंग के माध्यम से। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास रिलीज। और बताएं सबकॉन्शियस माइंड में क्या है। बॉटम ऑफ द डेक है फैमिली रूम। ठीक है, तो मैंने ले लिए हैं कार्ड्स। यहाँ पर मैं पहले एनर्जी बताऊँगी आपके पर्सन की। तो एनर्जी की बात करें तो वी हैव फैमिली रूम एंड रिलीज़। ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जी में है कि ये बहुत ज़्यादा डिस्कशंस कर रहे हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक पर, और पर्टिकुलर टॉपिक पर डिस्कशंस में अगर हल नहीं निकल रहा, सल्यूशन नहीं निकल रहा, तो ये उस सिचुएशन से दूरी बनाने की कोशिश कर सकते हैं। डिटैचमेंट की वाइब्स है, एक सिचुएशन रिलीज होने की एनर्जी है। ये भी नज़र आ रहा है कि इन्होंने अपना पाथवे डिसाइड कर लिया है, किस डायरेक्शन में इन्हें आगे जाना है, किस दिशा में आगे बढ़ना है, किसके साथ आगे बढ़ना है, ये इन्होंने डिसाइड कर लिया है, जो कि ये आप तक पहुँचाना चाहते हैं मैसेज के थ्रू कि हाँ ये आपकी तरफ आ रहे हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारी बटरफ्लाइज नज़र आ रही होंगी जो कि ट्रांसफॉर्मेशन का प्रतीक है। ऊपर से एक लाइट आ रही है जो कि अबंडेंस का प्रतीक है। इसका मतलब कि इन्होंने जो पाथ चूज़ किया है वो राइट पाथ होगा, एज़ पर डिवाइन गाइडेंस इन्होंने पाथ चूज़ किया है, ये एनर्जी है। ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन अभी इस वक्त सब्र के साथ काम ले रहे हैं, इन्होंने सब्र रखा हुआ है। और यहाँ से भी पाथ की एनर्जी है। देखिए ये अलग डेक है, बिल्कुल अलग डेक है, और ये अलग डेक है, बिल्कुल अलग डेक है। यहाँ से भी पाथवेज हैं, मतलब कि एनर्जी इज़ सेम। दोनों डेक से ये निकल कर आया है कि आपके पर्सन एक राइटेस्ट पाथ को सिलेक्ट करने के लिए सब्र रखे हुए हैं। राइटेस्ट पाथ को सिलेक्ट करने के लिए अगर थोड़ा समय लग सकता है तो ठीक है, बट इन्होंने राइट डिसीजन ही लेना है, इन्हें हड़बड़ी में आकर कोई निर्णय नहीं लेना है। ये भी नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो इस वक्त बहुत पीसफुल सिचुएशन में रहने की कोशिश कर रहे हैं, किसी से आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहते, किसी से बहस में नहीं पड़ना चाहते, किसी से झगड़ा नहीं करना चाहते। ये बस चाहते हैं कि ये अपनी विल पावर का यूज़ करें और जो इनकी फ्री विल है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करें। ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि इन्हें आपकी तरफ आने का क्रेविंग है, आपसे बात करने का क्रेविंग है, लेकिन ये नहीं कर पा रहे किसी न किसी सिचुएशन में। कुछ लोगों के पर्सन बैडली ट्रैप्ड हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ लोगों के पर्सन किसी जेल जैसी सिचुएशन में हैं, या तो जेल में हैं, या तो किसी कोर्ट केस में हैं, या तो इनकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन बनी हुई है कि ये चाहकर भी आप तक नहीं पहुंच पा रहे। तो आप इनको समझिए, इनकी प्रॉब्लम को समझिए। ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप सब्र रखें और आप इनको थोड़ा सा समय दें ताकि ये अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकल कर आपकी तरफ बढ़ सकें। कुछ लोगों के पर्सन ऐसा भी नज़र आ रहा है कि ये बहुत बैडली ट्रैप्ड हैं अपने वर्क प्लेस पे, बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो सकता है, या ये बहुत मेहनत कर रहे हैं ताकि अपनी लाइफ को एक सही दिशा दे सके, आपके साथ एक अच्छी लाइफ जी सके। तो ये अपने आप को सेटल करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं इस वक्त। जैसे ही ये सेटल होंगे ये डेफिनेटली आपके लिए एक्शन ले सकते हैं। फैमिली रूम के साथ वी हैव थॉट्स। ये चाहे जितनी भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में हों, जितने भी डिस्कशंस हो रहे हों फेवर में या
फेवर में ना हो रहे हों, लेकिन इनके थॉट प्रोसेस में 24/7 आप हो, इनको आपके साथ अपनी लाइफ बिताने की जो एक प्लानिंग होती है कि हमारी शादी होगी, हमारे बच्चे होंगे, हमारी आगे की ज़िंदगी कैसी होगी, तो ये बहुत ही ज़्यादा इमेजिनरी दुनिया में रहने की कोशिश करते हैं। मैसेजेस भी इस तरीके के आपके हो सकते हैं कि आपके पर्सन आपसे फैमिली प्लानिंग की बातें करें, फ्यूचर प्लानिंग की बातें करें, कौन सी डेस्टिनेशन पर जाना आपका विश है ये आपसे जानने की कोशिश करें। आपको ये विश्वास दिलाने की कोशिश करना चाहते हैं कि इनकी विल है आपके साथ आगे बढ़ना। ट्रैप्ड सिचुएशन है जो कि ख़त्म हो जाएगी, थोड़ा सा आपको सब्र रखना है। तो ये मैसेजेस यहाँ से निकल कर आए हैं। लेट्स चेक सम मोर कार्ड्स। क्या कुछ और कहना चाहते हैं आपसे आपके पर्सन? कुछ लोगों को ऐसा लगता है आपके पर्सन में कि कोई ना कोई पैतृक दोष है, पितृदोष है, जिसके कारण यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं इनकी लाइफ में, ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रहे हैं। ये भी हो सकता है कि कुछ पेरेंट्स हैं जो ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं। इनका परसेप्शन काफ़ी चेंज हुआ है, ये भी मैसेज है। मतलब हो सकता है पहले ये लगता हो इनको कि आप एक बहुत ब्रॉड माइंडेड पर्सन हो, आपके साथ फ्लर्ट करके टाइम पास करके आपको छोड़ दिया जा सकता है, आपको ये यूज़ कर सकते हैं और देन थ्रो कर सकते हैं। मतलब इनकी कुछ इस तरह की मेंटेलिटी थी आपको लेके कि आप बहुत ही मॉडर्न ख्यालों के हो, आप बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, इस तरह की इनका कोई परसेप्शन था कि ये आपको इजीली धोखा दे सकते हैं। लेकिन आपके साथ रिश्ते में आने के बाद इनको रियलाइज़ हुआ कि आप जैसे दिखते हो वैसे हो नहीं, आप अंदर से बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड हो, बहुत ही ज़्यादा एक पोलाइट, एक बहुत ही प्योर सोल हो। और आपके साथ जुड़ने के बाद इनको रियलाइज़ हुआ कि इनका जो परसेप्शन था आपको लेकर वो बिल्कुल डिफरेंट था। पहले ही इनको लगता था कि ये आपसे ईजिली डिटैच हो सकती हैं या हो सकते हैं, बट अब इनको ऐसा लगता है कि नहीं, आपसे एक बार जुड़ने के बाद डिटैच होना इट्स नॉट ईजी। इनको ऐसा लगता है कि अगर इनकी या आपकी सिचुएशन इम्बैलेंस है किसी न किसी रीज़न से, तो ये उस सिचुएशन को बैलेंस में लेकर आ सकते हैं, इनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है। आप में से कुछ लोगों के पर्सन एक्सप्रेस करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, हो सकता है किसी पेंटिंग के थ्रू, किसी स्टोरीज़ के थ्रू, किसी क्राफ्ट के थ्रू, किसी शायरी के थ्रू, पोएम के थ्रू, किसी न किसी कोट्स के थ्रू ये आपको एक्सप्रेस कर सकते हैं, या किसी इमेज के थ्रू ये आपको एक्सप्रेस कर सकते हैं कि इनके दिल में क्या चल रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा हैप्पी फील करते हैं, इन्हें बहुत ही ज़्यादा एक प्योर वाइब्स आती हैं आपसे। इन्हें ऐसा लगता है कि आपके पास आकर ये अपने बचपने में पहुंच जाते हैं, जैसे कहते हैं ना बच्चे में भगवान का स्वरूप होता है, क्योंकि बच्चा बहुत प्योर होता है, बहुत प्योर हार्टेड होता है। तो इन्हें आपके साथ वैसी ही फीलिंग आती है, जिसके कारण इनका परसेप्शन भी चेंज हुआ है और इन्हें आपसे ट्रू लव है। ये आपको ये चीज़ एक्सप्रेस कर सकते हैं कि पहले मैं सच में तुमसे प्यार नहीं करता था या नहीं करती थी, मुझे लगता था ये रिश्ता बहुत कमज़ोर होगा, टेम्प्रोरी होगा, बट अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने तुमसे ट्रू लव करता हूँ और मैं मेरे लिए तुमसे दूर जाना पॉसिबल नहीं है। सो ये मैसेजेस हैं अभी इस वक्त आपके पर्सन के, आपके लिए आने वाले टाइम में ये चीज़ें आपसे रेजोनेट करेंगी। यहाँ पर जो नंबर इम्पॉर्टेंट है वो नंबर है 8। तो इस रीडिंग को देखने के बाद मिनिमम 8 आवर्स के अंदर, मैक्सिमम 26 आवर्स के अंदर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट कर सकती है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, आपको लगा हो कनेक्ट कर पा रहे हो आप इस एनर्जी से, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।